राधे राधे एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल वेलकम टू माय अनदर न्यू कुकिंग ब्लॉग आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक हेल्दी टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके तो आज हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेड ये ब्राउन ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं मैं इनके एजेस नहीं कट कर रही हूँ मीन्स कट करके इसके किनारों को मैं नहीं निकाल रही हूँ और हाथों से मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ अभी ना अचानक से मुझे बहुत भूख लग गई है तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो तो मेरी नज़र गई ब्रेड्स के ऊपर तो ब्रेड रखे हुए थे ब्रेड स्लाइसिस उसको मैंने ले लिया और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स मैंने फाइनली चॉप किए हैं और ग्रेट किए हैं तो ग्रेटेड कैरेट है और फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम्स हैं आप चाहें तो आप इसमें रेड बेल पेपर येलो बेल पेपर पीज़ स्वीट कॉर्न ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं इवन आप कोकोनट फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं तो मेरे पास धनिया पत्ती भी थी तो ये फ्रेश है तो इसे भी मैंने धोकर फाइनली चॉप कर लिया है इसे भी मैंने ऐड कर दिया अब आप चाहें ना तो आप ये जो ब्रेड मैंने हाथों से तोड़ा है आप चाहें तो आप इसे ग्राइंडर में इसका चूरा बना सकते हैं बट मेरे पास ना ता इतना टाइम नहीं था पेट में बहुत ज़ोरों से चूहे दौड़ रहे थे तो मैंने तो हाथों से ही तोड़ लिया अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट सॉल्ट हमें ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने लिया है ब्रेड और ब्रेड में सॉल्ट ऑलरेडी रहता है इस वजह से सॉल्ट हम थोड़ा सा कम डालेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा डालें तो खट्टा खट्टा लगेगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया है आमचूर पाउडर यहाँ पर लगभग तीन टीस्पून के करीब मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया है अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप स्कीप भी कर सकते हैं तो चूँकि ब्रेड के साथ मैंने सारे वेजिटेबल्स मिलाए हैं तो अभी ना जब मैश करूँगी हाथों से तो मैं वाटर नहीं डालूँगी विदाउट वाटर का मैं इसे पूरा एकदम थोड़ा हार्डली मैश करूँगी तो मैश हो गया है सारा वाटर जो था वो ब्रेड ने सोक कर लिया है अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड और ग्रीन चिली इसे मैंने फाइनली चॉप करके रखा हुआ है इसे हम डालेंगे और डालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक्चुअली हमें ना मतलब ये गीला ना हो जिस तरीके से हम आ, रोटियों के लिए आटा बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल थोड़ा थोड़े से भी थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छा सा नीड कर लेंगे गूंथ कर एक आटे का जैसा हम इसे लगा लेंगे देखिए मैं कर रही हूँ हाथों तो से ही करना है अच्छे से अगर आप क्रम्स बना लेंगे तो उस टाइम तो पानी को और भी ज़्यादा ध्यान में ध्यान से आप लोग यूज़ करेंगे अदरवाइज़ वो तुरंत गीला हो जाएगा तो इस वजह से हमें पानी बिल्कुल धीरे धीरे करके डाल डालना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें दो से तीन मिनट फिर हमारा अच्छे से डो बन जाएगा देखिए डो बन गया है इस डो को ना हम मैं थोड़ा गीला रख रही हूँ बिल्कुल टाइट हमें नहीं रखना है और ऐसे करके हाथों में फैलाकर मैं पैटी का शेप दे रही हूँ अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा तो पैटी हमारे अच्छे से बन भी जाएगी और हाथों से उठ भी जाएगा इस तरीके से मैं पैटी बनाकर सारे पैटीज़ को पहले रख लूँगी बनाकर उसके बाद हम चलेंगे किचन के तरफ पैटीज़ हम पहले बना लेंगे ना तो क्या होगा कि हम झटपट झटपट इसे आगे के स्टेप के लिए यूज़ कर पाएंगे कढ़ाई पे या तवे पे हम आराम से इसे डाल पाएंगे एक एक करके पैटी बनाते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वजह से एटलीस्ट आप जितना आपके कढ़ाई में या तवे में जाएगा उतना पैटी एक बार में बना लें बाकी का पैटी अब फिर नेक्स्ट टाइम में बनाते रहें तो चलिए किचन में चलते हैं तो किचन में मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है हार्ड एनोडाइज्ड तवा और इसके ऊपर लगा दिया है ऑयल ग्रीस कर दिया है बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ मैं वाइट ऑयल लगा रही हूँ आप चाहें तो आप बटर लगा सकते हैं घी लगा सकते हैं जैसी आपकी मर्जी तो चूंकि मैं इसे सेंक रही हूँ इस वजह से मैं पतले पतले पैटी बना रही हूँ अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप मोटे वाले पैटी बनाएं या फिर बॉल का शेप दे दें या जो ब्रेड रोल का शेप होता है ना सिलेंडर टाइप वैसा शेप भी आप दे सकते हैं यहाँ मैं एक डिप बना रही हूँ डिप बनाने के लिए मैंने लिया है एक टेबल स्पून टोटल मैंने यहाँ पर लिया है टमेटो सॉस और हाफ़ टेबल स्पून मेयोनीज और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाला है अब मैं इसे मिक्स करूँगी पहले हम आधा सॉस डाल के इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद हम इसके ऊपर और थोड़ा सा आधा सा सॉस डाल देंगे मीन्स टोटल एक टी सॉरी वन टेबल स्पून सॉस यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वन टू टू का रेशियो रहेगा मीन्स जितना आप सॉस डालेंगे उसका आधा हमें डालना है मेयोनीज अब एक तरफ पैटी हमारी हो गई है तो दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया फिर से ऑयल ब्रश कर दिया और इसे पलट दिया और गैस को हम लो फ्लेम पे रख के ही इन्हें पकाएंगे हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये सिक रहे हैं इस वजह से अगर आपको सिलेंडर या बॉल का शेप देना है तो आप डो को थोड़ा सा टाइट बनाएं और इसे डीप फ्राई करें इस तरीके से सेंकने से काम नहीं बनेगा तो मेरे पैटी उठ गए हैं अब मैं क्या कर रही हूँ वो जो मैंने डिप बनाया था उसे मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और इसके ऊपर से इसे लाजवाब सा लुक और टेस्ट देने के लिए हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देंगे और ये ना बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी होगी बस बच्चे जब खाएं तो आप इनमें चिली यूज़ ना करें तो जो लोग भी मेरे रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम या मेरे चैनल में नए हैं मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं इसी तरीके के, के अगले ब्लॉग में थैंक यू